हेलो फ्रेंड्स, मॉनसून सीजन आते ही ज़्यादातर लोगों के हेयर फॉल दुगना तिगुना हो जाता है। जहाँ पर नॉर्मल हेयर शेडिंग 50-60 होना चाहिए, उसके बदले एकदम से 100-150-200 हेयर फॉल होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी इन एक्सेस हेयर फॉल से बच सकते हैं कुछ ईजी टिप्स को फॉलो करते हुए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से टिप्स हैं। टिप नंबर वन, अपने हेयर को ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना है, स्कैल्प को ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना है। एक्सेस मॉइस्चर जमने की वजह से जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगती है और हेयर इजीली गिर जाते हैं। जैसे कि आप नोट कीजिए, गीली मिट्टी में आप इजीली कोई भी पेड़ पौधा को उखाड़ सकते हैं, या फिर बारिश के टाइम पे ज़्यादा देर तक गीली मिट्टी होने से और हवा चलने से वो पेड़ इजीली गिर जाता है। वहीं अगर मिट्टी सूखी है तो तेज़ हवा चलने से उतना ईजिली पेड़ गिरता नहीं है, लेकिन गीली मिट्टी में जल्दी से पेड़ गिर जाता है, राइट। तो सेम वे ज़्यादा देर तक अगर आपका स्कैल्प गीला रखेंगे तो हाथ नॉर्मल फेरने से ही ऐसे ही हेयर फॉल होने लगता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से हेयर को ड्राई कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि हम हेयर को तो ड्राई कर लेते हैं लेकिन स्कैल्प गीला रह जाता है। तो मेक श्योर कि आपका जो स्कैल्प है वो एकदम ड्राई हो जाए। इसके लिए आप जो ड्राई टॉवल है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो हेयर ड्रायर में आप यूज़ कर रहे हैं हॉट एयर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एयर से ही आप ड्राई कर रहे हैं। पॉइंट नंबर टू, गीले टॉवल का इस्तेमाल ना करें। हो सके तो मॉनसून में एक्स्ट्रा टॉवल आप रख लीजिए। अक्सर आप देखिए कि मॉनसून के वजह से टॉवल सूख नहीं पाता है, जिस वजह से क्या होता है उसमें से बदबू आती है, राइट। ये जो बदबू है वो जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस पनपने की वजह से, जब वही टॉवल से आप पोछेंगे तो क्या होगा, वही फंगस, जर्म्स, बैक्टीरिया ट्रांसफर होंगे स्कैल्प पर और अननेसेसरीली स्कैल्प इन्फेक्शन या फिर खुजली, डैंड्रफ ये सब होने लगेंगे और फिर हेयर फॉल होगा। तो उससे बचने के लिए एक्स्ट्रा टॉवल आप रख सकते हैं या फिर जैसे मैंने बताया हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एयर से। पॉइंट नंबर थ्री, गीले स्कैल्प में कभी भी हेयर ऑयल का इस्तेमाल ना करें। मेक श्योर कि अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो आपका स्कैल्प एकदम ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज पानी और जो ऑयल का कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि मॉइस्ट जमा रहेगा और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे। और यहीं पर ही ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं कि गीले बालों में जल्दी जल्दी में ऑयल लगा लेते हैं और डैंड्रफ होने लगता है, खुजली होने लगती है और हेयर फॉल होने लगता है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप मॉनसून सीजन में ऑयलिंग ही ना करें, नॉर्मल मसाजिंग करते हैं तो वो सब कर सकते हैं, या फिर मेक श्योर कीजिए कि आपका स्कैल्प एकदम ड्राई है। फोर्थ पॉइंट, जहाँ पर मोस्टली लोग गलती करते हैं अनजाने में ही सही, लेकिन ये एक टेंडेंसी है कि जैसे ही मॉनसून सीजन आता है तो हमें तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने को मन करता है, फ्राइड फूड खाने को ज़्यादा मन करता है। तो यहीं पर ही आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाएगा। आप अपने टंग को, जीभ को कंट्रोल में रखना है। जितना ज़्यादा फ्राइड फूड वगैरह आप खाएंगे, अनहाइजेनिक फूड खाएंगे, इससे क्या होगा कि आपका पेट भर जाएगा और हाइजीन जो फूड है, जो न्यूट्रिटिव फूड है उसको आप अवॉइड करने लगेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अगेन फिर आपका हेयर फॉल होने लगेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने टंग को कंट्रोल कर रहे हैं, जीभ को कंट्रोल कर रहे हैं, हेल्दी फूड ही आपको खाना है, तली हुई चीज़ को अवॉइड करना है। नॉर्मल एक आध बार चलता है, महीने में एक दो बार चलता है, लेकिन आप इसको रेगुलर बेसिस पे मत लाइए, अदरवाइज न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपका हेयर फॉल होने लगेगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ अपने लिए एक घंटा निकालिए, डेली योग या एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। एक घंटा अपने लिए निकालिए, आपका कभी भी हेयर फॉल नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स है, आप फॉलो करके देखिए, आपका जो एक्सेस हेयर मॉनसून सीजन में हो रहा है नहीं होगा, बंद हो जाएगा। आई होप वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।